Dear friends, today we are going to discuss Patrick White's famous short story 520. दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी है हस्बैंड वाइफ और एक और अनजान व्यक्ति की कहानी, जिसमें पत्नी का नाम है एला और पति का नाम है रॉयल। ये जो एला और रॉयल हैं, इन दोनों की बात करें तो जैसा कि थंबनेल पर इमेज भी आप देख रहे होंगे कि ये जो उसका हस्बैंड है वो अपंग है, वो अपाहिज है, और यहाँ पर एला जो है वो एक डेडिकेटेड वाइफ के रूप में इस कहानी में दर्शाई गई है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक समर्पित पत्नी है। लेकिन समर्पित की बात करें तो यहाँ पर हमें याद आता है कि जो शेक्सपियर का एक नाटक है ओथेलो, ओथेलो में कैरेक्टर दर्शाया गया है डेस्डीमोना का। जिस प्रकार से डेस्डीमोना कुछ भी नहीं बोल पाती थी, कुछ भी नहीं कह पाती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर कैरेक्टर दिखाया गया है एला का। ये जो एला और रॉयल हैं ये पैरमाटा रोड सिडनी में रहते हैं और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं, और वहाँ से जो एक हाईवे है, एक रोड है, वहाँ पर उस रोड को वहाँ से देखा जा सकता है उनके घर से, और वहाँ पर अक्सर जो वाहन है वो गुजरते रहते हैं और ये लोग जो है उन वाहनों को देखते हैं। मुख्य रूप से जब गर्मियों में ये अपने जो बरामदा है वहाँ पर बैठ जाते हैं और आते जाते ये वाहन जो हैं उनको देखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो रॉयल है इसका थोड़ा सा टाइम भी यूं ही गुजर जाता है। रॉयल कहने को तो अपंग है लेकिन अपनी पत्नी पर ये सारे हुक्म चलाता है, अपनी पत्नी की जो है ये अपनी पत्नी से सारी बातें मनवाता है, इस प्रकार का व्यक्ति है। और इसकी पत्नी जो है वो पूरी तरह से समर्पित है, और वो जो पत्नी है इसकी वो हर बात को इसकी मानने के लिए तैयार रहती है। जब ये वहाँ पर ये वाहनों को देखते हैं तो वहाँ से वो एक वाहन को और देखते हैं, और ये जो वाहन है ये एक होल्डन कार है जो पुरानी एक स्टैंडर्ड कार हुआ करती थी। तो वहाँ पर एक होल्डन कार है जो एक व्यक्ति उस कार को वहाँ से चलाता है और रोज़ वहाँ से गुज़रता है। तो जब एला उस गाड़ी की तारीफ़ करती है तो और उस व्यक्ति की तारीफ़ करती है तो ये चिढ़ जाता है, रॉयल बुरी तरह से चिढ़ जाता है, और बल्कि ये कह देता है कि ये जो व्यक्ति है ना इस गाड़ी में बैठने के लायक ही नहीं है, और ये जो व्यक्ति है इसका सिर भी टेढ़ा सा है। और यहाँ पर एला जो है उसको समझाने की कोशिश करती कि वो इस प्रकार का व्यवहार ना करे, लेकिन रॉयल जो है वो उस व्यक्ति के बारे में अभद्र टिप्पणी करता रहता है। तो और इवन वो इला को इस बात पर डांटता भी है। जब वो इला वो कहती है ना कि ये व्यक्ति जो है वास्तव में बहुत बड़ा अधिकारी होगा, तो वो ये कहता है कि ये ऐसा व्यक्ति कोई भी अधिकारी नहीं बन सकता। और वो दूसरे रूप में वो ऐसा इसलिए भी कहता है क्योंकि वो भी कभी एक अधिकारी नहीं बन पाया था, तो अपनी तुलना वो दूसरों से कर लेता है कि जब मैं नहीं कर सका तो और कैसे कर सकते हैं। वो इस बात को इस रूप में इला के सामने रखता है। अब एक दिन की क्या घटना होती है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक एक्सीडेंट में एला जो है एक व्यक्ति की सहायता करती है। अब इस व्यक्ति को रॉयल को इतना भी जो है वो पसंद नहीं है कि एला किसी और की सहायता करे या सेवा करे, क्योंकि ये चाहता है कि ये पूरी तरह से इसके प्रति डेडिकेटेड हो जाए और केवल वो रॉयल के बारे में सोचे, उसके कष्टों के बारे में सोचे। और इवन जब वो उसकी सहायता करती है तो वहाँ पर क्या होता है, उसके कंबल पर थोड़ा सा खून का दाग आ जाता है। तो वो रॉयल जो है वो ये नहीं कहता, उसको शाबाशी नहीं देता कि उसने एला ने किसी की जान बचाई है, किसी की रक्षा की है, बल्कि उससे ये कहता है कि जल्दी से इस कंबल को साफ करे, इसमें से इस खून के धब्बे को हटाए। एला उसकी हर बात को मानती है, और यहाँ पर एला जो है रॉयल के माथे को चूमती है, और केवल इस बात को दर्शाने के लिए कि वो उससे प्यार करती है और वो उसके लिए कोई एहसान नहीं कर रही है उसके काम करके, तो वो उसको ये दर्शाना चाहती कि वो उसकी एक डेडिकेटेड वाइफ है, उस रूप में वो उससे प्यार कर रही है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि जो रॉयल और एला हैं ये दोनों जो हैं अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, और जो ये रॉयल था, रॉयल का परिवार जो था ये ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में आकर ये कैंट से आया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आकर ये शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पर जो रॉयल था, रॉयल हमेशा ये सोचता है कि वो कुछ बनना चाहता है, लेकिन अपनी वाइफ को वो हमेशा एक तरह से टॉर्चर ही हम कह सकते हैं कि मेंटली टॉर्चर रूप से करता है, और वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं जी पाती, और हमेशा वो रॉयल के लिए सोचती है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचती, ना ही वो अपने कपड़ों के बारे में सोचती है, ना ही वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में सोचती है, कुछ भी वो अपने बारे में नहीं सोचती है।
तो अब क्या होता है कि वो रॉयल के लिए, इवन उसने इलाने रॉयल के लिए काफ़ी जगह कार्य भी किया था, इवन उसने वेटर के रूप में भी कार्य किया था ताकि कुछ पैसे से अपने पति की वो मदद कर सके, जो कि उसका पति एक व्यापारी बनना चाहता था और उसकी जो इच्छाएँ उनको पूरा कर सके। उसके पति की इच्छा ये भी थी, उसके जो रॉयल के जो फादर थे वो एक बहुत फेमस राइटर थे, तो रॉयल ये चाहता था कि वो भी एक अच्छा लेखक बने, अपने पिता से ज़्यादा नाम कमाए। लेकिन शायद उसकी महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ जो उसका एक डेडिकेशन था ना, वो इतना सक्षम नहीं था, इतना मजबूत नहीं था कि रॉयल इन चीज़ को प्राप्त कर सके। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी जो है उसकी पूर्ण रूप से सहायता करने की कोशिश करती है। एक स्थान था इसमें सैरसा पैरेला एक स्थान था जहाँ पर रॉयल ने अपने किराने का काम चालू किया था, अपनी जो एक छोटी सी दुकान थी वो स्टार्ट की थी। और यहाँ पर जो इला ये चाहती थी कि अब उनको एक बच्चा कर लेना चाहिए, अब उनके एक बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। लेकिन रॉयल ने इस बात को इला को बिल्कुल ही ठुकरा दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चा उनके व्यापार में बाधा हो सकता है। क्योंकि इला पूरी तरह से सपोर्टिव थी, व्यापार को ध्यान देती थी, हर चीज़ों को ध्यान देती थी, तो उसने रॉयल ने कह दिया नहीं, पहले हमें व्यापार चलाना है, बच्चे का हम नहीं सोचेंगे। तो इला ने यहाँ पर भी अपने अरमानों को घोट लिया और वो जो उसका माँ बनने का सपना था वो यूँ ही धूमिलसा होने लगा। और इसी बीच में दूसरा कारण देखो इसमें फैक्ट दोस्तों ये भी है कि यहाँ पर माँ बनने की बात हम करें तो जो ये इला है, इला और रॉयल के बीच में पहले भी सेक्सुअल रिलेशंस रहे हैं, बट जो इला है वो माँ नहीं बन पाई है। अब जब इनके मेडिकल रीजंस का पता चलता है तो ये होता है कि ये जो रॉयल है, रॉयल के अंदर ही जो मैनली पावर्स हैं उसकी कमी होती है, जो पुरुष तत्व है उसकी कमी होती है, और इस वजह से इला माँ नहीं बन पा रही है। लेकिन इला कभी भी इस बात को रॉयल को जाहिर नहीं करती है, और बल्कि वो ये जो सारी गलती है ना, मतलब वो अपने ऊपर ले लेती है कि मैं अपनी खुद की गलती से, अपने खुद में ही मेरे अंदर कमी है, उस वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, वो ऐसा भी सोच लेती है। दोस्तों अब क्या होता है कि मतलब वो पूरी तरह से जो है हर बात अपने पति की मानती है, अपनी लाइफ तो जैसे मानो वो जी ही नहीं रही है, उसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है, इस प्रकार से वो अपने जीवन को चलाती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और एक समय ऐसा आता है कि रॉयल जो है वो इस जीवन को छोड़ जाता है, मतलब इला को यहाँ पर अकेला छोड़ जाता है, रॉयल की मृत्यु हो जाती है। रॉयल की मृत्यु होने के बाद कहानी की पृष्ठभूमि में बदलाव आता है और यहाँ पर कहानी में हमें इला का एक नया चेहरा देखने को मिलता है, वो इला जो एक बंदिशों में रहती थी, वो इला जो एक घुटन में रहती थी, वो इला जो हमेशा अपने पति के लिए डेडिकेटेड रहती थी, वो इला जो हमेशा दबकर काम करती थी, वो अब स्वतंत्र सी नज़र आती है। वो इला अब खुद को सजती संवारती है और इवन वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है जो इला है, और यहाँ तक कि वो इला अब भी उस स्थान पर होल्डन कार का इंतज़ार करती है, वो होल्डन कार जो 5:20 पर वहाँ से प्रतिदिन गुजरती है। तो दोस्तों यही इस कहानी का टाइटल भी है, 520 इसी वजह से है क्योंकि इला का जो दिल है यहाँ पर उस होल्डन कार और उस होल्डन कार में बैठे हुए उस व्यक्ति पर आया है, जो व्यक्ति उस कार के अंदर था लेकिन कभी भी उसने अपने पति के सामने अपने पति को विश्वासघात नहीं किया और पति को चीट उसने कभी नहीं किया, कभी डिसीव उसे नहीं किया। और अब जब पति नहीं है तो उसने उसकी जो इच्छाएं हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं और वो चाहती है कि किसी भी तरह से वो होल्डन जो गाड़ी वाला जो व्यक्ति है वो उसके सामने आए और उससे प्रेम का इजहार करे, वो ऐसा चाहती है। और इसलिए रोज वहां पर 5:20 पर वो बैठ जाती है और उसका इंतजार करती है, उसको गुजरते हुए देखती है। वो सारी चीज़ें ये मतलब इसलिए करती है ताकि उसके जीवन में जो एक प्रेम है वो, जिसकी कमी उसके जीवन में रही थी, वो पूरी हो सके। अब एक दिन ऐसा ही होता है, शायद भगवान ने इला की सुन भी ली थी। एक दिन 5:20 पर वो गाड़ी इला के बंगले के पास रुकती है और वहाँ पर वो जो व्यक्ति है जो होल्डन कार में बैठा हुआ था वो इला के पास आता है। जब वो इला के पास आता है वो एक फ़ोन करने के लिए इला के पास आता है और जो व्यक्ति है वो इला को बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड लगता है और इला यहाँ पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है और यहाँ पर वो उस व्यक्ति को अपनी बाहों में भर लेती है और उसको एक किस करती है और यहाँ पर दोनों की तरफ से वो किसिंग में शेयरिंग होता है और इवन दोनों ही जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और
तभी वो व्यक्ति चला जाता है। अब एला पूरी तरह से उस व्यक्ति के ख्यालों में खो चुकी है, क्योंकि वो शायद उसको अपना मान चुकी है, उसको अपना बना चुकी है। और वो व्यक्ति रोज़ 5:20 पर वहाँ से पास होता था, वहाँ से गुजरता था, तो वो हमेशा उसका इंतज़ार करती है। अब क्या होता है, अब एला को एक न्यूज़ मिलती है। न्यूज़ क्या मिलती है कि शहर में एक दुर्घटना हुई है जिसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं। और आज 5:20 पर वो व्यक्ति, क्योंकि समय का बहुत पाबंद था, वो हमेशा 5:20 पर वहाँ पर आता था, तो आज वो 5:20 पर वहाँ पर नहीं आया। तो एला को डर लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, कोई घटना ना घट गई हो। लेकिन थोड़ी देर बाद गेट पर कोई खटखटाता है, तो एला बहुत तेज़ी से भागकर गेट की तरफ जाती है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा, एक तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थका हुआ सा व्यक्ति प्रतीत हो रहा है। और ये वही व्यक्ति है जो होल्डन कार को चलाने वाला व्यक्ति था। वो आता है और वो अपनी सांसें भी सही प्रकार से नहीं ले पा रहा है, लंबी लंबी सी सांसें ले रहा है। वो एकदम से इला के ऊपर गिर जाता है। इला बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती कि अब क्या करे। वो ऐसी सिचुएशन में इला क्या करती है, अपने मुँह से उसके मुँह को लगा लेती है। और यहाँ पर वो अपनी सांसों को उसकी सांसों में, मुँह से सांस देने की कोशिश करती है, ताकि उस व्यक्ति में जो उसकी सांसें हैं वो बरकरार रहें और वो व्यक्ति जो है वो अपनी जो इस परेशानी है उससे उब सके, उससे उबर सके, वो उसको सही कर सके। वो इस प्रकार से ऐसा कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो जीवित नहीं रह पाता और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये जो आखिरी सांस देने वाला प्रोसेस था, ये इसको इस रूप में दिखाया गया है जैसे कि मानो कि वो उनका एक आखिरी किस हो। इला अपने प्रेम का इजहार एक किस से कर रही हो, लेकिन इसी किस के साथ उसके प्रेम का अंत भी हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो उस व्यक्ति का नाम तक भी नहीं जान पाती है कि उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो ये कहानी जो है एक ऐसी कहानी हो जाती है जिसमें इला के जीवन में एक प्रेम की कमी थी और वो प्रेम की कमी बनी रहती है। प्यार के तलाश में ये कहानी जो है भटकती हुई कहानी, मतलब उसके लिए भटकता सा एक माहौल था जो इला के लिए था, कि वो प्रेम की तलाश करती रहती है, करती रहती है, लेकिन उसको प्रेम नहीं मिल पाता, अपने पति से नहीं मिल पाता। और अंत में जब आकर उसको उस होल्डन कार वाले व्यक्ति से प्रेम मिलता है जिसका वो नाम तक भी नहीं जानती, वो व्यक्ति उसको तभी छोड़कर चला जाता है, इस जीवन से अलविदा ले लेता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पैट्रिक वाइट की लिखी हुई 5:20। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये कहानी बीए फर्स्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगी हुई कहानी है, और इसके अलावा अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कहानी चल रही है।